आज का जो टॉपिक है केमिकल स्पीशीज का तार टाइप वो है फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या है, तो सबसे पहले फ्री रेडिकल से पहले हमने इसके डिस्कवरी के बारे में हमने बात करना है कि फ्री रेडिकल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। डिस्कवरी तो अगर डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले फ्री रेडिकल डिस्कवर की थी मोसिस गोमबर्ग ने। मोसिस गोमबर्ग ने ये डिस्कवर की थी 1900 में। ट्राइफिनाइल मिथाइलिन वो फर्स्ट ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है जो मोसिस ने डिस्कवर की थी 1900 में। तो ये नोट करें। ठीक, द फर्स्ट फ्री रेडिकल वॉज डिस्कवर मोसिस गोमबर्ग इन 1900 में मोसिस गोमबर्ग ने फ्री रेडिकल डिस्कवर की थी। वो कौन सा फ्री रेडिकल था जो मोसिस गोमबर्ग ने डिस्कवर किया था? फ्री रेडिकल हमारे पास बहुत सारे हैं। वो कौन सा था अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन कर लिया तो आपने ये कहना फ्री। तो सबसे पहले जो फ्री रेडिकल डिस्कवर हो चुका था उसका नाम क्या था जो मोसिस ने डिस्कवर किया था, मोसिस गोमबर्ग ने? इधर देखें उसका नाम है हमारे पास, नाम नोट करें, ये वो पहला खुशनसीब फ्री रेडिकल था जो मोसिस बाबा जी ने डिस्कवर किया था। उसका नाम क्या है, इधर देखें, ट्राइफिनाइल मिथाइल्स वो पहला खुशनसीब फ्री रेडिकल था जो मोसिस गोमबर्ग ने डिस्कवर की थी। ये वो पहला था। ठीक, खुशनसीब है या नहीं? खुशनसीब फ्री रेडिकल है। ठीक, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर है ताकि मुझे पता चल जाए, तो इधर देखें, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, इधर देखें, स्ट्रक्चर नोट करें ताकि आपको इसके बारे में भी पता हो। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि वो मुझे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था फ्री रेडिकल, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इधर देखें। अब ये हमारे पास है, इधर देखें, ये स्ट्रक्चर है इसका। ये वो खुशनसीब ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल था जो किसने डिस्कवर किया था, मोसिस गोमबर्ग ने डिस्कवर किया था। इधर देखें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये डॉट है। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड सिंगल डबल। खुशनसीब फ्री रेडिकल था जो मोसिस गोमबर्ग ने डिस्कवर किया था। अब इधर देखें, ट्राई का मतलब है थ्री, फिनाइल, वन टू थ्री। फिनाइल है या नहीं? ये हमारे पास है फिनाइल। मिथाइल, यहाँ पर कार्बन आपको नजर आते हैं, मिथाइल, ये वो फ्री रेडिकल था। इधर देखे, ट्राई का मतलब है थ्री, फिनाइल मतलब थ्री फिनाइल, वन फिनाइल सेकेंड एंड थ्री, थर्ड हो गए फिनाइल, और मिथाइल, ये हमारे पास ये जो कार्बन है ये मिथाइल का है। ठीक, तो वो खुशनसीब फ्री रेडिकल था जो डिस्कवर की थी मोसिस गोमबर्ग ने। ओके, अब फ्री रेडिकल का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नोट करें। इस तरह डेफिनेशन करते हैं इसका, इसका जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह करते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल है ये हमारे पास क्या, एक केमिकल स्पीशीज है और इसके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
और फिर इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल है। ये डेफिनेशन नोट करें, फ्री रेडिकल क्या है ये नोट करें, फ्री रेडिकल आर केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज मैंने आपको पढ़ाया था कि केमिकल स्पीशीज क्या है, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल स्पीशीज। तो मैंने आपको कहा था कि केमिकल स्पीशीज हमारे पास टाइप है, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल। तो ताड़ है हमारे पास फ्री रेडिकल, ऑलरेडी आयंस भी मैंने आपको डिस्कस किए, मॉलिक्यूलर आयंस भी डिस्कस किए, और आज का जो लेक्चर है वो फ्री रेडिकल पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी है फ्री रेडिकल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी है, ठीक। ओके, फ्री रेडिकल आर केमिकल स्पीशीज, ये क्या है, केमिकल स्पीशीज है, केमिकल स्पीशीज कंसिस्टिंग ऑन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंसिस्टिंग ऑन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर एक्सटर्नल ऑर्बिटल, एक्सटर्नल ऑर्बिट, इन दियर एक्सटर्नल ऑर्बिट या एक्सटर्नल शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट या शेल। डेफिनेशन देखें, फ्री रेडिकल और केमिकल स्पीशीज, ये जो फ्री रेडिकल है ये केमिकल स्पीशीज है, कंसिस्टिंग ऑन वन, ये मुश्तमिल होते हैं वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। इसके आउटर मोस्ट शेल में या तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है या एक से ज़्यादा वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इसको हम कहते हैं कि क्या है, फ्री रेडिकल है। इधर देखें, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। अब अगर इधर देखा जाए तो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब इधर देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको ड्रा कर रहा हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, शेल है। अब इस शेल में आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास क्या हो गया, फ्री रेडिकल। ओके, इन एक्सटर्नल ऑर्बिट, इधर देखें, ये हमारे पास है अब फ्री रेडिकल, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, इधर देखें, एक होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इस फॉर्म में हो, इधर देखें, ये पेयर फॉर्म में है, पेयर फॉर्म, और अगर इस तरह हो, सिर्फ और सिर्फ वन हो एक ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में, तो इसको हम पे कहते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसको हम कहते हैं कि पेयर फॉर्म में है, अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अनपेयर्ड। अब ये ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इधर देख सकते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्री रेडिकल। इधर देखें, लिखा जा रहा है, इधर देखें, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आउटर मोस्ट शेल में ये न्यूक्लियस है, मैं जल्दी आउटर मोस्ट शेल सिर्फ बनाता हूँ, क्या हमारे पास इसका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में इसके सेवंथ इलेक्ट्रॉन है, इधर देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। अब आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इसके इलेक्ट्रॉन है या नहीं, सारे पेयर है, इधर देख ले, सारे पेयर है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, लेकिन दिस वन अनपेयर्ड है, ये वाला क्या है, अनपेयर्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। क्लियर हो गई, ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, तो ये सिर्फ थी डेफिनेशन, अब इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है, हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मोस्ट कॉमन फ्री रेडिकल कौन सा है। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन कर लिया या पेपर में आ गया कि मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है,
फ्री रेडिकल वो कौन सा है? इधर देखें, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, द मोस्ट कॉमन फ्री रेडिकल आर, मोस्ट कॉमन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट कॉमन कॉमन फ्री रेडिकल आर, फ्री रेडिकल आर, ये जो मोस्ट कॉमन फ्री रेडिकल्स हैं वो कौन सा है? वो हमारे पास है ओ एच फ्री रेडिकल। इधर देखें, हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल, ओ एच, ओ एच, इधर आप देख सकते हैं ओ एच पर डॉट है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डॉट है ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या जाहिर करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब ये मोस्ट कॉमन है, ये वाला मोस्ट कॉमन है, ज़्यादा पाया जाने वाला जो फ्री रेडिकल आपको मिल रहा है वो है ओ एच, हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल। हाइड्रोक्साइल, इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल फ्री, हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, यह हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल है। मोस्ट रिएक्टिव भी है। क्या है? मोस्ट रिएक्टिव भी है। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? ओ एच। जितनी भी फ्री रेडिकल्स होती है ये रिएक्टिव्स होते हैं और अनस्टेबल्स होती है, ये डायरेक्टली रिएक्शन करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए कि हमारे पास ये वाले मोर रिएक्टिव भी है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव आइस फ्री रेडिकल आर फ्री रेडिकल आर ओ एच। ये जो ओ एच है, ओ एच फ्री रेडिकल, ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि मुझे वो फ्री रेडिकल बताएं, बताओ कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जल्दी आप जो जल्दी रिएक्शन करते हैं, वो कौन सा फ्री रेडिकल है? ओ एच। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि मोस्ट रिएक्टिव तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव जो स्टेबल है वो कौन सा है? वो कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू बेंजाइल फ्री रेडिकल जो सबसे स्टेबल है वो कौन सा है? टू बेंजाइल फ्री रेडिकल, द मोस्ट स्टेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल आर फ्री रेडिकल आर, वो कौन सा है जो सबसे स्टेबल है? जितने भी फ्री रेडिकल्स होती है वो मोर रिएक्टिव्स होते हैं, पहली पॉइंट ये नोट करें, मोर रिएक्टिव्स होते हैं और अनस्टेबल होती है। ठीक, ये नोट करें। अब मोस्ट कॉमन कौन सा है? ओ एच है। मोर रिएक्टिव कौन सा है? ओ एच है। अब द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है हमारे पास टू बेंजाइल फ्री रेडिकल, टू बेंजाइल फ्री रेडिकल, टू बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये वाला सबसे स्टेबल, सबसे क्या है? स्टेबल है। अब इधर देख सकते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये हमारे पास है बेंजीन, ठीक, डबल डबल। अब इधर देख सकते हैं कि हमारे पास है सी एच टू, ये हमारे पास क्या है? बेंजाइल फ्री रेडिकल है और ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है। एक पॉइंट ये नोट करें, ठीक, ये बात थी सिर्फ मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट मोस्ट कॉमन। ठीक, अब सेकंड पॉइंट नोट करें, सेकंड पॉइंट के जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑल फ्री रेडिकल, ऑल जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री ऑल फ्री रेडिकल, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं आर, दो पॉइंट नोट करें, एक ये अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल होती है, इसमें अनस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये जल्दी और के साथ रिएक्शन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिव्स होते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जितने भी, ये मोर रिएक्टिव्स भी होती है और इसमें अनस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है।
ठीक ओके। अब सेकेंड पॉइंट ये नोट करें कि हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स होती है, फ्री रेडिकल एटम्स, फ्री रेडिकल एटम्स आर कॉल्ड, ये जो फ्री रेडिकल एटम्स होती है, ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करें कि फ्री रेडिकल जो एटम्स होते हैं इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या नेसेंट एलिमेंट है। फ्री रेडिकल एटम्स आर कॉल्ड नेसेंट एलिमेंट, नेसेंट एलिमेंट क्यों कहते हैं, वजह क्या है? देखिए नेसेंट का क्या मतलब है, नेसेंट का मतलब समझ ले कि नेसेंट का मतलब क्या है। नेसेंट का मतलब है, अगर मीनिंग इसका देखा जाए तो इसका मतलब है न्यूली बोर्न, न्यूली बोर्न, ये न्यू बोर्न हो रहा है, ना ही पैदा होने वाले एटम्स होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं नेसेंट एलिमेंट्स। ये जो एटम्स होती है ये न्यू एटम्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कि नेसेंट एलिमेंट्स, न्यूली बोर्न, न्यूली बोर्न, न्यूली बोर्न, इसका मतलब है इस वर्ड का न्यूली बोर्न। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, इधर देख ले, अब ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों क्या है, एटम्स तो है, लेकिन अब ये जो न्यू एटम्स प्रोड्यूस हो रहा है इसके स्प्लिटिंग की वजह से, होमोलिटिक ब्रेकडाउन की वजह से, इधर देख ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये दोनों न्यू एटम्स प्रोड्यूस हुए या नहीं, तो इस वजह से जो फ्री रेडिकल एटम्स होते हैं इसको कहते हैं नेसेंट एलिमेंट। क्यों, अब ये न्यू पैदा हो गए या नहीं, न्यू पैदा हो गए, तो इस वजह से इस एटम्स को और इस एटम्स को हम कहते हैं कि ये नेसेंट एलिमेंट है। फ्री रेडिकल जो के जो एटम्स होते हैं इसको हम नेसेंट एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्लियर हो गए, फ्री रेडिकल हम जाहिर करते हैं, फ्री रेडिकल हम जाहिर करते हैं किस तरह, हम या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड पर डॉट पुट कर देते हैं स्पीशीज के ऊपर, इस तरह हम फ्री रेडिकल रिप्रेजेंट करते हैं। फ्री रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री आर रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट, पुटिंग डॉट, इधर देखें ये हम पुट करते हैं डॉट, इस तरह ये डॉट है या नहीं, ये डॉट ऑन लेफ्ट या राइट साइड ऑन द स्पीशीज, पुटिंग डॉट ऑन लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट और राइट ऑन अप लाइट, ओके। फ्री रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट ऑन अपर राइट और लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑन केमिकल स्पीशीज, ऑन केमिकल स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज के अपर साइड पर या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड के ऊपर हम डॉट लगाते हैं, और इस तरह हम केमिकल स्पीशीज फ्री रेडिकल रिप्रेजेंट करते हैं। इधर देखें अभी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है या नहीं, हाइड्रोजन है, ये क्या है, क्लोरीन है। अब अगर मैंने फ्री रेडिकल क्लोरीन का जाहिर करना है तो किस तरह मैंने जाहिर करना है, इधर डॉट लगानी है, नो इधर आपने डॉट नहीं लगानी है, बल्कि इस साइड पर भी आप लगा सकते हो या क्लोरीन के इस साइड पर भी लगा सकते हो, अपर साइड के लेफ्ट या राइट साइड पर आपने डॉट पुट करनी है। ठीक, समझ आ गई। अब इधर देखें ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के इस साइड पर ये राइट है, राइट मेरा वाला तो राइट है, इधर देखें राइट साइड पर आपने डॉट पुट करनी है, इस साइड पर या इस साइड पर, इस तरह हम फ्री रेडिकल जाहिर करते हैं। अब इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल है इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है, किस तरह बनता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से। होमोलिटिक क्लीवेज होती है, मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स होती है उसका होमोलिटिक ब्रेकडाउन होता है, ठीक, और इस तरह फ्री रेडिकल बन जाता है। इधर देखें फ्री रेडिकल आर फॉर्म
फ्री रेडिकल आर फॉर्म बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल्स। ये जो होमोलिटिक वार्ड है इसका क्या मतलब है? इधर देखें, ये क्लोरीन है, ये मॉलिक्यूल्स है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है या नहीं? इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है। ये मॉलिक्यूल्स है, Cl2 है, मैंने इस तरह लिखा है, ये Cl2 है, 1-1। इस मॉलिक्यूल्स में ये बॉन्ड है। अब इधर देखें, फ्री रेडिकल आर फॉर्म बाय होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक का क्या मतलब है? होमोलिटिक, होमो का मतलब है सेम, लाइटिक मतलब है स्प्लिटिंग, ठीक, स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या है? लाइटिक का मतलब है स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग, होमो मतलब सेम। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है, और दोनों फ्रेगमेंट्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं तो उतने ही इसमें भी चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स इस वाले एटम्स के साथ होते हैं आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, उतने ही इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर देखें, अब ये जो बॉन्ड है इसको कहते हैं होमोलिटिक, ब्रेक हो गया होमोलिटिकली। जितने इलेक्ट्रॉन्स इस एटम्स को जा रहे हैं उतने ही इसको भी जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं होमोलिटिक ब्रेकडाउन। समझ आ गई? अब इधर देखें, Cl इस वाले एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 1। वाह, इस वाले एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? बन गए फ्री रेडिकल या नहीं? बन गए फ्री रेडिकल। ये जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स होती है इसका होमोलिटिक ब्रेकडाउन होता है। किसकी वजह से होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, इधर देखें, द फ्री रेडिकल आर फॉर्म, ये जो फ्री रेडिकल्स होती है ये किसकी मौजूदगी में होती है? लाइट्स की मौजूदगी में होती है। अगर लाइट्स हो तब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन द फॉर्म ऑफ लाइट वी प्रोवाइड करते हैं, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। द फ्री रेडिकल आर फॉर्म, फ्री रेडिकल आर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की मौजूदगी में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। कौन सा लाइट? अल्ट्रावायलेट, अमूमन लाइक अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, देखिए ये जो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन होता है किसकी मौजूदगी होता है? लाइट्स एनर्जी है या नहीं? तो अब ये जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये जो एनर्जी होती है ये बॉन्ड एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इधर देखें, ये हमारे पास सन है, कंसीडर करें ये सन है। अब इधर देखें, ये हमारे पास Cl है, क्लोरीन है। अब इधर देखें, ये क्लोरीन है। इधर देख ले, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सन से रेडिएशन आ रहे हैं सन से रेडिएशन आ रहे हैं, तो इधर देख ले, अब ये जो बॉन्ड है ये वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ये रेडिएशन क्या है? एनर्जी है या नहीं? तो ये बॉन्ड एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है ये एनर्जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किससे बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये जो रेडिएशन है ये बॉन्ड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इसका स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग हो गया, अब बन गया Cl रेडिकल मतलब
टू सी एल रेडिकल्स बन गया। इस तरह रेडिकल का फॉर्मेशन होते हैं। रिएक्शन है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है, अगर मौका मिल गया। अदरवाइज आप खुद भी ये देख सकते हैं कि इसका रिएक्शन किस तरह होता है। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बन का जी।